एक बहुत अच्छे लेखक है मनोज मुंतशिर, उनका एक शेर है कि जूते फटे पहनकर आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। इन लाइनों को सार्थक कर दिया है कोटा में रहने वाले शादाब हुसैन ने। कल से लड़के का नाम चर्चा में है, राहुल गांधी, अशोक गहलोत सभी ट्वीट करके शुभकामनाएं दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि CA में पहली रैंक ले आए हैं कोटा के विज्ञान नगर के रहने वाले शादाब हुसैन। पिताजी पेशे से टेलर हैं। शादाब हमारे बीच में है अपने कुछ सीक्रेट शेयर करने के लिए, उन लोगों के लिए जो आने वाले टाइम में शादाब जैसा बनना चाहते हैं। शादाब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग जानना चाहते हैं, हम खुद जानना चाहते हैं, इस कामयाबी के पीछे पैरों में कितने छाले हैं, कितनी मेहनत? सर, हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा रहा, मतलब डेली 12 से 13 घंटे पढ़ना और ऑफिस वगैरह, डेली कोचिंग वगैरह, मतलब मैं सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 9 बजे घर पहुंचता था। तो ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक था, ठीक है, इनिशियली। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स की जो लीव मिली ऑफिस से, उसके बाद भी 12-13 घंटे रेगुलर स्टडी की और जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की, उसमें इम्प्रूवमेंट किया। ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें मिल के इस कामयाबी को मिला है। कितने नंबर आए हैं आपके, अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटाइल हम उसको कह सकते हैं? 597 मार्क्स है आउट ऑफ 800 और 75% अप्रोक्स। 75% अप्रोक्स। तो क्या शेड्यूल होता था आपका? आपने अभी जिक्र किया कि आप ऑफिस भी जाते थे। हाँ सर, जैसे जब ऑफिस होता था तो सुबह 6:30 से 10 बजे तक तो हमारी कोचिंग होती थी, फिर 11 से 6 ऑफिस होता था, फिर शाम को 6 से 9 फ्री क्लास होती थी। तो इतना हेक्टिक था कि हमें टाइम भी नहीं मिल पाता था कि अपने को टाइम दे, अपने फैमिली को टाइम दे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ऑफिस से छुट्टी मिली हमें, तो 11 से 12 घंटे में रेगुलर स्टडी किया और जैसे डेली अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मॉर्निंग वॉक वगैरह गया ताकि अपना स्ट्रेस हावी ना हो मेरे ऊपर, ठीक है। और रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया ताकि अपने आपको सेल्फ रिव्यू कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके, एक्सेलेंट कर सके। कौन सा अटेम्प्ट था शादा भी आप? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 597 नंबर आया, तो फैमिली का इसमें एक ऐसा सपोर्ट था, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है ना कि बैक सपोर्ट आपकी फैमिली का होता है, तो किसने सबसे ज़्यादा सहयोग किया? मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब मुझे क्या है, मुझे फियर होता था एग्ज़ाम फियर, तो वो चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे पुश किया इसके रिगार्डिंग कि एक बार यू शुड ट्राई, मतलब बिना कुछ किए मैं क्यों डर रहा था। तो एटलीस्ट मैंने ट्राई किया एंड आई गॉट दी अचीवमेंट। पेशे से आपके पिताजी टेलर हैं? जी, पेशे से टेलर है पापा। तो अच्छा, जो ये लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा कुछ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसा भी कुछ था क्या? नो सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं था, सब अच्छा चल रहा था। और क्योंकि हमने कर चुका था, विल पावर थी, तो कायनात अपने आप उसके अकॉर्डिंग आपको आगे ढकेलती रहती है। अच्छा शादाब, ये CA में इतने अटेम्प्ट्स क्यों लग जाते हैं? लोग 6-6 अटेम्प्ट्स 5-5 अटेम्प्ट्स करते रहते हैं, कहते हैं कि CA एक बार शुरू कर दिया तो खत्म होने का नाम ही लेता। एक्चुअली होता है क्या है कि सर, हमारे पास कोई कॉलेज वगैरह नहीं होता। स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा ऑफिस आवर्स में इतने बिजी रहते हैं और इतने सारे मिस गाइड्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह इतना यूज़ करते हैं, टाइम वगैरह वो डिवोट नहीं कर पाते प्रॉपर स्टडी पे। सो मेन चीज़ था कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया वगैरह को हमें इग्नोर करना चाहिए जब तक कि हम इस फेज में हैं, स्टूडेंट लाइन में हैं। आप हैं सोशल मीडिया पे? मैं एग्ज़ाम टाइम पे मैं बिल्कुल ऑफ कर दिया था, उसके बाद मैं एक्टिव हुआ हूँ जब एग्ज़ाम ओवर हो चुके थे। अच्छा, तो उस टाइम पे मतलब सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ कट करना पड़ा, फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम बिल्कुल कम हो गया था। जो फ्रेंड्स थे ओनली मिनिमम 2 या 3 लोगों से मेरी डेली बातचीत होती थी, बाकी सब फ्रेंड्स को मैंने आउट कर दिया था बिकॉज इतना टाइम दे नहीं पाता था मैं किसी को। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं, उनका एक रीज़न ये भी है कि वो एक टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि सीधा आप साल भर पढ़ रहे हो और सीधा एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपको कहीं अपने आप को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। तो मेरा उनको यही गाइडेंस होगा कि वो अपने आप को पहले टेस्ट करें, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो ज़रूर उनका क्लियर होगा सी फाइनल अटेम्प्ट। आपने टेस्ट सीरीज का नाम लिया, आपने रेगुलर कोचिंग्स भी इसके लिए ज्वाइन करी थी क्या? यस सर, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया है, रेजोनेंस था जो प्रोमिनेंट कोटा में है, उसके अलावा मैंने इंडिविजुअल क्लासेस भी ली थी दिल्ली से और बॉम्बे से भी, ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, नॉन CA जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अब शादाब, अगर CA में आपने टॉप कर दिया तो आगे की प्रोसेस क्या होती है एक CA स्टूडेंट के लिए जब वो पास हो जाता है? तो CA स्टूडेंट पास हो गया, इससे मैं हो गया क्लियर, तो इसके बाद कैंपस इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है, कंपनीज वगैरह हमें
लिस्ट करती है, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह होता है। अगर आप जॉब वगैरह में नहीं जाना चाहते, खुद की प्रैक्टिस खोलना चाहते हैं, तो खुद की प्रैक्टिस भी खोल सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब ग्लोबली हम रिकॉग्नाइज हो गए एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर। क्या काम होता है सीए का, अगर आप लोगों को बताना चाहें तो सरल भाषा में? सरल भाषा में होता है सीए एक आपकी किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की पूरी स्थिति, पूरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करता है। ठीक है, आपके टैक्सेशन मैटर होता है, टैक्स कंप्लायंस होता है, इन सबको इस पे कंसल्टेंसी देता है, एडवाइजरी देता है, आपकी अकाउंटिंग देखता है पूरी, और आपको कहीं जैसे बहुत से इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर एडवाइजरी देता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, टीचिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास ऑप्शन, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फर्मों में फिर खुद हायर करती हैं फर्म्स बड़ी बड़ी? हाँ, कंपनी खुद हायर करने के लिए हमारे एक प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कराता है। इसके सेंटर हैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर वगैरह। तो वहाँ पे हम जाते हैं, कंपनीज आती है वहाँ पे, पार्टिसिपेट करती है, हमें वहाँ से हायर किया जाता है, और वहीं से पैकेज वगैरह सब कुछ डिसाइड होता है, उसके बाद हम कंपनी ज्वाइन करते हैं। अगर हम जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारी खुद की फर्म है, खुद प्रैक्टिस करें, और हम सीएन प्रैक्टिस रहना चाहते हैं, तो हम खुद की फर्म डाल सकते हैं। और खुद की फर्म डालेंगे तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि खुद की फर्म होती है, खुद के क्लाइंट्स होते हैं, खुद का एक बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील होता है, मतलब एक रेस्पेक्ट होता है, बिजनेस शुरू हो गया, अब आपका बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और अभी जीएसटी है तो उसके बाद प्रोफेशन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, और धीरे धीरे से डायरेक्ट टैक्स कोड भी चेंज होगा, तो और ज़्यादा सीए की डिमांड वापस और ज़्यादा बढ़ेगी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आप चाहें तो फ्रीलांसर कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, घर में बैठ के कंपनियों को सेवाएं दे सकते हैं। बाहर बहुत सी कंपनी होती है जो बाहर से, अभी दुबई वगैरह में जो वेट लगा है, तो ज्यादा इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं जो वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ पे भी रेगुलर जो मेंबर्स के लिए सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो अपडेट करते हैं सभी लोग, मतलब मैक्सिमम वहाँ पे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं। अच्छा, शादाब कैसे कैसे सैक्रिफाइसेस करने पड़े इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? सर बहुत कुछ था, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ा, मतलब मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, सबसे सबको मैंने कट डाउन किया, मतलब ओनली दो या तीन लोगों से बातचीत हो पाती थी, फैमिली का कोई मेंबर आता था उनसे बातचीत बहुत कम हो गई थी, ऐसे मैं टाइम दे नहीं पाता था उनको बिल्कुल भी, अपने आप को कमरे में बंद पाता था, कहीं शादी होती तो वहाँ नहीं जा पाते थे, मूवी वगैरह सब कुछ कैंसिल करना पड़ता था, कुछ न मूवी जा पाते थे न कुछ पार्टी वगैरह। ठीक है, बाकी फ्रेंड को देख के लगता था कि हाँ यार मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि यार एक वक्त आता है सबका। ठीक है, अपने आपको कंट्रोल किया उस वक्त, तो आज उसका रिजल्ट अच्छा है। आखिरी बार किसी फंक्शन में कब गए थे? आखिरी बार मैं एग्जाम से पहले मैं मार्च में गया था, मार्च में एक किसी की शादी थी वहाँ ओनली में, पर शादी में ऐसे आते थे बस खाना खा के सीधा घर पहुँचते थे हम, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, किसी से मिलना जुलना बहुत मुश्किल हो जाता था, मतलब टाइम इतना दे नहीं पाते थे किसी को। रातों रात एक आइडेंटिटी मिल गई शादाब हुसैन को, सबने लगभग सभी लीडिंग्स जो न्यूज चैनल्स हैं, सभी जो लीडर्स हैं उन्होंने आपको विशेष दी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने भी इनको विशेष दी है, तो अब कैसा लग रहा है इस सक्सेस को एंजॉय करते हुए? बहुत खुशी हो रही है, मतलब जो कुछ सेक्रीफाइस किया था, जो भी हार्डवर्क था, वो डेट पेड ऑफ मी। उन लोगों के लिए जो अभी सीए की तैयारी कर रहे हैं, करने का विचार कर रहे हैं, या कई सालों से लगातार सीए में ही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कि सबसे ज्यादा जरूरी अपने आप पे फेथ रखना। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट इसी बात से डर जाते हैं कि कैसे क्लियर होगा, जबकि एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, फिर भी वो सोचते हैं क्लियर कैसे होगा, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करें, उससे पहले डरे रहते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करें, पेशेंस रहें। ठीक है, और थोड़ी अपना आपका सेल्फ रिव्यू करें, जरूर है, बहुत ज़रूरी है, टेस्ट वगैरह ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट दें, ऐसे खुद मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है ताकि स्टूडेंट्स अपनी कमियों को जान सके, उसको सुधार सके, इम्प्रूव कर सके और एक्सीलेंट हो सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट दें, ताकि आप एटलीस्ट दो या चार बार टेस्ट देने के बाद कम से कम आप इस पोजिशन में होंगे कि वहाँ पर आपके हाथ धूझेंगे नहीं, वहाँ आप फ्लुएंटली लिख सकोगे, फ्लॉलेस आप अपना एग्जाम दे पाओगे। अच्छा, तो जब आप एग्जाम टेस्ट देते थे और ये मेन एग्जाम, तो इनमें आपके नंबर्स में कितना डिफरेंस आया, एग्जाम टेस्ट में ज़्यादा आते थे या फिर एग्जाम में ज़्यादा है? मेरे टेस्ट में नंबर ज़्यादा आते थे, क्योंकि मॉक टेस्ट होता था वो एक जैसे हमारे स्टडी मटेरियल उसकी बाउंड्री विद इन दी बाउंड्री होता था। ठीक है, जबकि मतलब एग्जाम में अगर स्टडी मटेरियल में 1000 प्रश्न है तो उन्हीं में से कुछ उसी में से कुछ होता था, लेकिन जो एग्जाम था फाइनल एग्जाम्स उसमें बहुत कुछ अलग भी था, बहुत कुछ नया भी था, बहुत कुछ था जो हमारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता था, तो ऑफकोर्स वो एग्जाम ज़्यादा टफ था। बट मैं टेस्ट सीरीज से फ़ायदा ये हुआ था कि
मुझे क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में समझना कि उसको कैसे समझे, अगर क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ रहा है ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करना, उसके आंसरिंग करना, अच्छा प्रेजेंटेशन देना, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज द एरिया वेयर वी सी ए स्टूडेंट लैक, बिकॉज एमबीए वगैरह को अगर आप देखोगे तो उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, जबकि सी ए स्टूडेंट को क्या कॉलेज वगैरह कुछ होता नहीं है, तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा हम वीक रहते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि हम कहीं प्रेजेंट कर सके अपने आप को। तो वो चीज़ टेस्ट सीरीज से हमें पता लगी कि कहाँ क्या प्रेजेंट करना है, अपने आंसर को मैं करके आईसीएआई के आंसर से कंपेयर करता था, जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी प्रेजेंटेशन था या जहाँ भी लैक कर रहा था वो सबको मैंने इम्प्रूव किया, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मतलब आपका जो सबसे बेहतर जिसको कहते हैं कि इन्हेंस हुए आप टेस्ट सीरीज और बाकी इन चीज़ों से। अच्छा, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल, एग्ज़ाम का जो डे था, आपने एग्ज़ाम में खुद को कैसे टैकल किया? वो जो 2 या 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है उसके पहले कैसा शेड्यूल होना चाहिए, एग्ज़ाम के दौरान क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एग्ज़ाम के दौरान जैसे है कि एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले प्रॉपर, पहले तो अच्छी खासी नींद लेनी चाहिए ठीक है, 8 घंटे, 6-7 से 8 घंटे ठीक है। एग्ज़ाम से कम 1.5-2 घंटे पहले पढ़ना बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ते उतना स्ट्रेस होता था माइंड पे ठीक है, कन्फ्यूज़न भी होता, यूँ लगता था कि कुछ ही नया देख लेंगे तो और डर सा बैठ जाता था, तो मैं 1-1.5 घंटे पहले पढ़ना बंद कर देता था। थोड़ा स्पिरिचुअल भी था तो जैसे कुछ नमाज वगैरह पढ़ लेता था ताकि थोड़ा माइंड को हल्का कर सके, दिल को हल्का कर सके ठीक है। और एग्ज़ाम के दौरान मेरा ये था टारगेट कि फर्स्ट आवर में एटलीस्ट 40 मार्क्स कवर कर सकूं, क्योंकि 40 मार्क्स हमारा थ्रेशोल्ड होती है, उससे अबव लाना पड़ता है पास होने के लिए। तो मैं फर्स्ट आवर में पूरी कोशिश करता था कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करूं सबसे इजीस्ट ताकि मेरे 40 मार्क्स कवर हो सके ठीक है। उसके बाद जब मैं वो कर लेता था तो मेरा कॉन्फिडेंस अपना बहुत हाई होता था कि अब मैंने 40 नंबर कर लिया, पास हो गया हूं। मैं पास हो चुका हूं, अब मुझे रैंक की प्रैक्टिस करना है, मुझे रैंक परफॉर्म करनी है वहां पे, एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई सक्सीड। अच्छा, तो मतलब आपने सबसे पहले आप पास हुए, फिर रैंक के लिए मैंने तैयार किया। मैंने एग्जाम में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई, मैं फर्स्ट आवर में इंश्योर करता था कि मेरा 40 मार्क्स कैसे भी हो जाए, मतलब नहीं, एक जैसे डायरेक्ट टैक्स का एक पेपर था टैक्सेशन का, उसमें मेरा रह गया था मैं थोड़ा पीछे, टाइम मेरा बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो बहुत डर लगा मुझे उस वक्त, लेकिन समहाउ आई मैनेज्ड एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं ना कि जब सक्सेस हो जाता आदमी तो फिर जो बात नहीं कर रहे होते हैं वो भी करने लगते हैं, उन रिश्तेदारों को भी फोन आ जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ भी है कल से? जी सर, बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं ऐसे, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत अच्छी बात भी है, एक तरह से वापस उनसे मेल जोल हो जाता है हमारा, एटलीस्ट अगर कुछ पा लिया फिर वो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक वापस उनसे एक कनेक्शन हो जाता है, अच्छा कनेक्शन होता है, इस्टेब्लिश होता है, और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता है, तो अच्छी बात है। ये हैं शादाब हुसैन। अगर आपने कोटा शहर को अभी IIT, JEE, मेडिकल, JEE मेन इन्हीं सब में टॉप करते देखा है तो चेहरा देख लीजिए। शादाब हुसैन ने CA में भी टॉप करके ये बता दिया है कि अब कोटा शहर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी जाना जाएगा। शादाब ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी कि कैसे उन्होंने एग्ज़ाम के दिन खुद को टैकल किया। एग्ज़ाम के दौरान सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप 40% अचीव करें, 40 नंबर का 40% आप अचीव करें तो आप पास हो जाएं, इसके बाद आप रैंक की प्रैक्टिस करनी शुरू करें। घर वालों का फुल सपोर्ट रहा, ये स्पिरिचुअल भी रहे, नमाज भी पढ़ी, इन्होंने आखिरी बार मार्च में शादी में गए थे, तो कुल मिला के इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए तभी आज ये इस मुकाम पर है। शादाब के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट CA स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने कई सारी बातें बताई कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, एग्जाम के 2 से 3 घंटे पहले पढ़ना नहीं चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर सोना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। शादाब के फादर मोहम्मद रफीक क्या कहेंगे बेटे की इस कामयाबी पे? बेटे की कामयाबी पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारकबाद। तो कैसे लगता है आपको कि शादाब कितनी मेहनत किया करते थे, फिर अब उनको जो रिजल्ट आया है तो उसी हिसाब से मिला है उनको रिजल्ट? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी, जिस हिसाब से उसने मेहनत और बहुत लगन के साथ पढ़ाई की है उस हिसाब से ये आना ही था, 100% आना था। अच्छा, हमें पता था। अब रिश्तेदार घर वाले इधर उधर के जो लोग आ रहे हैं तो अब कैसा लग रहा है कि बेटे ने नाम रोशन कर दिया? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार खुश है, बहुत सब खुशी मना रहे हैं। अच्छा, जब CA का एग्ज़ाम दे के आए थे शादाब, तो क्या लगा था क्या आपको कि टॉप कर जाएंगे या ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल लगा था, हमें यही उम्मीद थी कि वो टॉप ही करेगा, पहले से ही उसका हमें अंदाजा था, मैं बाप हूँ उसका, कि वो पढ़ाई कैसी करता है, तो मेरे अलावा कोई जानता नहीं था इस बात का, मुझे बिल्कुल अंदाजा था परफेक्ट कि टॉपर ही आएगा, ऑल इंडिया टॉपर, माशाल्लाह, और अल्लाह का करम है उसके अंदर, हमारी दुआ भी है, उसकी मेहनत है और अल्लाह का करम है, दुआएं सबकी, हमने दुआएं बहुत मांगी उसके लिए। शादाब ने सबसे
शादाब ने सबसे ज़्यादा आपका नाम लिया कि मेरे पिताजी ने मेरे को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने दी। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ पढ़ाई में, उसने पढ़ाई के अलावा कुछ, उसने हमसे कुछ रिक्वायरमेंट करी भी नहीं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगा रहता था उसके। और अगर मैं उससे बोलता था भाई कि कुछ गाड़ी ले ले, कुछ बड़ा मोबाइल ले, कोई ये ले, कोई वो ले, तो कोई चीज़ हो, लेकिन पापा कुछ ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, तो सब कुछ मैं अभी तो पढ़ाई करनी है। आप ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी, अशोक गहलोत सब ने ट्वीट करके शादाब को शुभकामनाएं दी है। हाँ राहुल गांधी का, राहुल गांधी का, अशोक गहलोत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पता है। शादाब के सक्सेस पे क्या कहेंगे आप? जी उसने मेहनत बहुत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की उसने और उसी मेहनत का फल मिला है उसको। कितने घंटे पढ़ा करता था शादाब? पढ़ाई तो बहुत की, अब ये तो मैं नहीं कह सकती, बाकी उसने रात को भी पढ़ाई करता था, दिन को भी बहुत पढ़ाई करता था, मेहनत बहुत की उसने। क्या आप ये जानती हैं कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने शादाब को शुभकामनाएं दी हैं? जी पता है आपको? जी सवेरे से फोन आ रहे हैं उसके, बहुत मुबारकबाद आ रही है उसकी। शादाब के लिए क्या कहना चाहेंगे? शादाब के लिए कहना चाहूँगा कि जो कुछ किया उसने, बहुत ही मेहनत करी है और पापा ने भी बहुत योगदान दिया है पढ़ाई के लिए, और फख्र की बात है हमारे लिए, तो परिवार के लिए और अपने इंडिया के लिए इसने टॉप किया है और हर विषय के अंदर ये टॉप आया। रेशमा आ जा बेटा, रेशमा जाना, थोड़ा पास हो भाई साहब। Thank you.